दोस्तों, हम सभी पैसा तो कमाते हैं, लेकिन कई बार हमारा जो कमाया हुआ पैसा होता है वो टिक नहीं पाता। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में खुशहाली लानी है, तो ऐसे क्या उपाय करें जिससे धन टिके? तो वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय बताए गए हैं। उन उपाय को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम अपना धन बचा सकते हैं। पहले के पूर्वज घर के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे, इससे घर में सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि होती थी। मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाए जाने से रोग व शोक में कमी आती है। नंबर दो, गेट पर लगाएं केले व तुलसी का पौधा। अगर आप घर के सदस्यों की तरक्की चाहते हैं तो घर के मेन गेट पर एक तरफ केले का वृक्ष और दूसरी तरफ तुलसी का पौधा गमले में लगा दें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा। नंबर तीन, छत पर गोल आईना। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए छत पर बड़ा गोल शीशा इस तरह से लगाएं कि मकान की दूसरी संपूर्ण छाया उसमें दिखाई देती रहे। इससे भवन में तरंगित ऊर्जा का सुखद एहसास होता है। नंबर चार, टूटे बर्तन व खाट को न रखें घर में। आपको भूलकर भी कभी भी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही घर में टूटे बर्तन व टूटी खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फायदा तो होता नहीं, उल्टा धन हानि के योग बनते हैं। नंबर पाँच, दीपक जलाएं व रोज शंख बजाएं। अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहां शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज जलाएं। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि तीन बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। नंबर छह, भगवान पर रोजाना अर्पित करें ताजे फल। घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ वास्तुशास्त्र के नियम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।